The solid right cylinder of height 14 cm and base radius 6 cm. A right circular cone of same height and same base radius is removed. Find the volume of the remaining solids. तो देखिए मैंने फिगर बना दिया है. अब इस फिगर में एक सिलेंडर है और सेम हाइट एंड सेम बेस का यूज करके मैंने एक कोन बना दिया है उसके बीच में. अब जो सेटेड पार्ट है ये रिमूव हो जा रहा है, तो अनसेटेड पार्ट का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. सो सिंपल सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं करनी है आपको. सिर्फ करना क्या है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सो पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें से आपको माइनस कर देना है कोन का वॉल्यूम. सो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, अब देखो ये जो मिलेगा आपको सॉल्व करने पे, ये रिमेनिंग पार्ट मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट पार्ट में से मैं सेडेड पार्ट यानी कोन को रिमूव कर दे रहा हूं. और यहां आर और एच जो है वो सेम है, दोनों के रेडियस और हाइट क्या है? सेम है. सो यहां पे कोई चेंजेस की ज्यादा जरूरत नहीं है. अभी देखो आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सो ये मिल जाएगा आपको 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. इज इट क्लियर? अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. सो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपकी गिवन है 6 सेंटीमीटर. सो 6 × 6 हो जाएगा आर स्क्वायर की वजह से और एच की वैल्यू है 14. इज इट क्लियर? अब चलिए इसमें 7 से 14 को हम काट लेंगे. सो 2 टाइम्स में कट जाएगा. अब ये 3 से आपका 6 कट जाएगा, तो 2 टाइम्स में. ओके, अब देखो ये क्या मिला. सो 2 × 2 = 4 एंड 4 को 22 में मल्टीप्लाई करिए तो 4 × 2 = 8 एंड 4 × 2 = 8 एंड ये 6 आपका एक बचा हुआ है. सो 6 × 2 = 12 हो गया. अब इनको मल्टीप्लाई करिए. सो अब देखो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10 एंड 5 6.